कैसे हैं आप सब? उम्मीदें बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज इस तरह अलग ही जगह पे देख के थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जो है, खैर बाहर बारिश हो रही है, अगर दिख रहा हो तो बारिश है। और ऑफिस का काम, थोड़ा ब्रेक लेके आपके रेल बुलेटिन भी बनाना जरूरी था, क्योंकि मंथ के टारगेट भी पूरे करने हैं। 20 रेल बुलेटिन का मेरा टारगेट था और अभी चल ही रहा है। खैर, इसके साथ अब आज का जो रेल बुलेटिन है वो दौसा से गंगापुर का है। दौसा से गंगापुर रेलवे लाइन, ये लगभग मेरी नॉलेज के हिसाब से 25 से 28 साल पहले पुरानी डिमांड है ये। 25 से 28 साल, अब सोचिए एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है इस रेलवे के एक मतलब काम को चलते हुए। और अगर कोई गवर्नमेंट कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पूरी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या है कि अभी फिलहाल इस ट्रैक को आप मानिए कि इसमें 90% काम अब तक पूरा हो चुका है। जुलाई मिडल आ गया है लगभग, और इसके बारे में जनवरी से फरवरी के आसपास में अपडेट आया था कि 80% काम पूरा हो चुका है। क्या काम पूरा हुआ है देखिए, दौसा से गंगापुर के बीच में रेलवे लाइन जो बिछानी है उसमें उन लोगों को लगभग जो जिनका प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था और मुआवजे की शिकायत थी और भी काफ़ी दिक्कत थी, तो इसमें सारे मैटर निपटा के कोर्ट से भी परमिशन लेके, CRS वगैरह सब से परमिशन लेके, अब उन्होंने क्या किया है कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए फाइनल एक अगली किस्त, जो जिसको आप अगली फंडिंग कह सकते हैं, 160 करोड़ फाइनल फंडिंग, अब तक की सबसे हाईएस्ट भी वो ले चुके हैं। और ये जो लगभग काम है अब नवंबर या दिसंबर तक हो जाना चाहिए। हो सकता है नए साल पे दौसा के जो रहने वाले हैं उनको, गंगापुर सिटी वालों को भी एक नई रेल लाइन इन सब की सौगात मिल जाए, ट्रेन की मिल जाए, वहाँ के आसपास में जो बिजनेस हैं उनको ये बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। ये ट्रैक लगभग 92.70 किलोमीटर लंबा है। 92.7 एग्जैक्ट नहीं है, 93, 94 भी हो सकता है। एग्जैक्ट कोई रेलवे ट्रैक इस तरह नहीं बताया जाता। क्या है कि इसलिए उन्होंने जनवरी में इस काम को गंगापुर से करौली तक कंप्लीट किया था। उसके बाद एक छोटी मालगाड़ी भी इस पे दौड़ाई थी, दौड़ाने इन द सेंस कि जब भी कोई ट्रैक तैयार होता है CRS से पहले उस पे दो या तीन मालगाड़ियाँ चला के देखी जाती हैं। कितने पे दौड़ा के नहीं, ऐसा नहीं कि 100 km/h पे उस ट्रैक पे भगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा CRS से पहले सबसे पहले एक पत्थर वाली ट्रेन, जिसको गिट्टी भी बोलते हैं और BOSTHS उसका कोड है, चला के देखी जाती है। सिर्फ 8 की स्पीड पे ट्रेन चला के देखी जाती है, सिर्फ 8, ज़्यादा नहीं। सेकंड ट्रायल में अगर वो ट्रैक सूटेबल रहता है, क्योंकि अपने आप में इंजन और मालगाड़ी का वेट भी पूरा रहता है, अगर ट्रैक सूटेबल रहता है उसके बाद क्या है कि एक फिर से मालगाड़ी दौड़ाई जाती है। भरी हुई मालगाड़ी लगभग 15 की स्पीड पे चलाई जाती है। सक्सेसफुल रहा तो फिर उसके बाद एक PCRS ट्रायल होता है, सिंगल लोको से 50 की स्पीड पे ट्रायल होता है ऑन द सेम डे ऑफ CRS ट्रायल, दैट्स इट। तो इस तरह ट्रायल होता है। ये सब पत्थर वाली मालगाड़ी, इन सब के ट्रायल भी हो चुके हैं जनवरी में। और इसके साथ अब क्या है कि मार्च तक गंगापुर सिटी से पिपलाई, यानी कि पिछले साल की मैं बात करूं तो ये टारगेट था इनका, और इसी मार्च तक गंगापुर सिटी से पिपलाई तक इन्होंने ट्रैक बिछा दिया है। पिपलाई से डिडवाना भी ट्रैक का काम चल रहा है, क्योंकि अभी नवंबर मिडल है, सॉरी जुलाई मिडल है, नवंबर तक इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद CRS ट्रायल होगा, और CRS ट्रायल जहाँ तक मेरा ख्याल है जनवरी 2022 में CRS ट्रायल हो जाना चाहिए। जनवरी 2022 में CRS ट्रायल होते ही ये जगह सीधे मुंबई से कोटा जुड़ जाएगी। और इसके बाद इसमें कुछ मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ इसमें रिपोर्ट में आया है कि
दौसा से गंगापुर सिटी के बीच 11 स्टेशन बनाए गए हैं, जिनकी बिल्डिंग बस तैयार है, फिनिशिंग भी डन है। और खेडली में 200 से 300 मीटर का काम था, वो भी कंप्लीट कर लिया है। खेडली में जो भी कुछ डिस्प्यूट था वो भी निपटा लिया है। और अब इसमें डिडवाना में 120 मीटर भूखंड, मतलब 120 मीटर का एक टुकड़ा है जिस पे कुछ विवाद है, वो भी अपने लास्ट स्टेज पे फाइनल हो चुका है, ऐसी न्यूज़ आ रही है मेरे पास। और इसके अलावा सभी जगह ट्रैक बिछा दिया है, दौसा से डिडवाना तक 35 किलोमीटर ट्रैक पे सीआरएस ने परमिशन दे दी थी, लेकिन क्यों नहीं चलाया और कब चलाएंगे ये इन्फो अभी आनी बाकी है। खैर, डिडवाना तक ट्रैक ऑलरेडी वैसे जा चुका है, ट्रेन भी चलने वाली है या चल चुकी है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस साइड में जो इन्फॉर्मर थे, जो जानने वाले हैं, वो अभी कुछ खास अपडेट दे नहीं पा रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से। खैर, दैट्स ऑल। उसके बाद गंगापुर से खूंटला और बामनवास तक भी ट्रेन जा चुकी है, मैं आपको बता दूं। और हाईवे पर दो आरओबी बनने थे और उनमें से एक बन चुका है और एक कंप्लीशन पे है लगभग। उसके साथ ही साथ लगभग ट्रैक अब तैयार है। और इसके साथ दौसा से डीडवाना तक 2017 में तैयार हो गया था, अगस्त 2017 में भी ये सीआरएस हो चुका था, लेकिन खैर इसमें आगे बामनवास में जब गाड़ी आई थी तो मैं देख रहा था, वहाँ की कुछ फोटोज आई हैं, कुछ वीडियोज भी आई थी, काफ़ी अच्छा लगा लोगों को और लगना भी चाहिए। एक सीधे अगर आप दिल्ली या मुंबई से जुड़ जाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है, रास्ते खुल जाते हैं, अच्छी बात है, कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल तक ये था कि गंगापुर से दौसा अब चालू होने वाला है, बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दौसा से गंगापुर सिटी के बीच में जितने भी लोग रहते हैं, और अपने इस हैप्पी मोमेंट को एंजॉय कीजिए, नई लाइन आपको मिल रही है। खैर, आगे भी अभी रेल बुलेटिन आते रहेंगे, और अगर इसके बारे में और भी इन्फो चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है। अगर और भी आपको रेल बुलेटिन चाहिए हो तो आप पर्सनल में भी टैग कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी टैग कर सकते हैं, आपको हर जगह रिप्लाई मिल जाएगा। और फिलहाल आज की डेट में अपना ध्यान रखिए, जितना हो सके अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सभी को नमस्कार, थैंक यू।